लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अयोध्या प्रशासन ने एकीकृत राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण केंद्र का नंबर लॉन्च कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान सभी आवश्यक जरूरतों और शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर इस नंबर की शुरुआत की गई है। वहीं अयोध्या में क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 106 लोगों में से अब तक 80 लोगों का समय पूरा होने पर उन्हें घर भेजा जा चुका है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है, ऐसे में हर स्तर पर जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रशासन और शासन लगातार समीक्षा कर रहा है। अयोध्या में लॉकडाउन के बाद से अब तक लोगों को दी जा रही सुविधाएं, कोरोना संक्रमितों की संख्या और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था का ब्यूरा उपलब्ध कराया गया है। यह जानकारी अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। अयोध्या में जिला स्तरीय ही किताब का नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। प्रशासन ने गुरुवार को आपदा नियंत्रण केंद्र का नंबर जारी कर दिया है। अयोध्या के जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कानून का नंबर 8928190752 है। राष्ट्रीय आपदा कोरोना के दौरान इस नंबर पर फोन कर जनपदवासी अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। देखिए, जनपद की जो पूरी प्रिपेयरनेस है उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हमने सभी जो पक्ष हैं इसका जो इसकी मेडिकल हैंडलिंग हो रही है उस पर हमने बताया। हमारे L1 L2 जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी फैसिलिटी क्वारंटीन, उनके एक्टिव और पैसिव जो क्वारंटीन है उसकी पूरी व्यवस्था हमने इसमें बताई है। हमने ये बताया है कि हमारी पूरी तैयारी है। अब तक जो है हम लोगों ने 106 लोगों को यहाँ पे मेडिकल क्वारंटीन किया, यानी कि जिसमें भी संभावना हमें दिखी कि चाहे तो वो जमात से आए थे या विदेश यात्रा करके आए थे या जो प्रभावित ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोग चल के आ रहे थे, उसमें अगर कहीं कोई संभावना थी तो उनको हमने मेडिकल फैसिलिटी पे क्वारंटीन किया 106 लोगों को। उसमें से 80 लोग जो हैं वो अपना क्वारंटीन पूरा करके अपने घर जा चुके हैं और 26 लोग अभी भी क्वारंटीन पे हैं। ऐसे हमने बताया कि 46 लोगों की अब तक जो है हम लोगों ने सैंपलिंग कराई थी और वो सभी अब तक नेगेटिव आए हैं और आज भी 11 लोगों की सैंपलिंग जो है वो कराई जा रही है और हमारे पास स्कोप और भी है, इससे ज़्यादा भी अगर आवश्यकता होगा तो हम टेस्टिंग करा सकते हैं। साथ ही मैंने ये सभी मीडिया के अपने बंधुओं से अवगत कराया हमने उनको कि जनपद में हमारे दोनों जो हॉस्पिटल्स हैं L1 और L2 के और जितने भी हमारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं उस पर काम करने वाले सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या दूसरे जो स्वच्छता के कर्मी हैं या और भी जो अटेंडिंग हमारे एम्प्लॉयज हैं उन सबके लिए हमारे पास पर्याप्त किट है और वो पूरी सुरक्षा के साथ ही जो है वो हर कार्रवाई हो रही है। पूरी जितने भी हमारे नगर निगम या इवन गांव का जो इलाका है हर जगह जो हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है या हमारा ब्लीचिंग पाउडर का घोल है उससे लगातार जो है सैनिटेशन की हमारी गतिविधियां चल रही हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।